बादल जैसे हवादार मेदू वड़ा बनाने की रेसिपी मैं शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कितने लाइट है, इसको अगर प्रेस करने जाए तो इसमें वापस उठने की भी ताकत नहीं है। और मेरे चटोरों कैसे हो आप, मेदू वड़ा कैसे बनाते हो उसका मेथड शेयर करूँगा, साथ में कैसी दाल लेनी है, उसको कैसे ग्राइंड करना है और कितने टेम्परेचर में फ्राई करना है, सब चीज़ें भी बताऊँगा। तो चलिए बनाते हैं घर में सांभर वड़ा या मेदू वड़ा, एकदम लाइट, एरी, हल्के और क्रिस्पी भी। 15 से 16 मेदू वड़ा या सांभर वड़ा के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गोटा उड़द ली है, मतलब स्किनलेस ब्लैक ग्राम जो वाइट होती है। उड़द दाल नहीं यूज़ करनी है दोस्तों, जो टुकड़ा में आती है आपको उड़द गोटा यूज़ करनी है, उसी से ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और दाल पुरानी भी नहीं होनी चाहिए, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं ये बोल में निकाल लिया हूँ, अब 2 से 3 बार पानी से इसको वॉश करेंगे। ये मैंने 3 बार वॉश किया है और फ्रेश पानी में इसको भिगोना है 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी मेदू वड़े या सांभर वड़े चाहिए तो आप इसमें 1 टेबलस्पून चावल भी यूज़ कर सकते हो। दाल को वॉश करने में जो भी पानी यूज़ हुआ है उसको फेंको मत यार, प्लांट्स को दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। 4 घंटे हो गए, उड़द अच्छी तरह फूल गई है, अब ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के लिए वेट ग्राइंडर बेस्ट रहता है, यहाँ पर मैंने वही लिया है, ये 1.2 लीटर साइज़ का है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि स्टोन्स गीले हो जाए और थोड़ा थोड़ा कर दाल डालेंगे शुरू में ताकि मशीन अटक नहीं जाए, और इसको बस चलने देना है। बीच में थोड़ा पानी डालना है ताकि जो स्टोन्स है वो अच्छी तरह घूम सके। दोस्तों इसको नॉर्मल मिक्सी में भी दाल को पीस सकते हैं, बस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि दाल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब मिक्सी चलाते हैं तो दाल गर्म हो जाती है। उसके लिए आप चिल्ड पानी यूज़ करिए दाल को पीसने में, और एक बार में ज़्यादा देर बिल्कुल ना चलाएं दाल को, रुक रुक कर चलाइए। दाल एकदम फाइन ग्राइंड करने के बाद फिर आपको उसको अच्छी तरह फेंटना पड़ेगा जब तक दाल डबल नहीं हो जाती वॉल्यूम में। ये दोनों प्रॉब्लम वेट ग्राइंडर में बिल्कुल नहीं आती है, दाल ठंडी ही रहती है ग्राइंड करने के बाद भी, और डबल या डबल से ज़्यादा हो जाती है पीसने के बाद, इसी वजह से वेट ग्राइंडर यूज़ किया जाता है। मिक्सी में हाई स्पीड में ग्राइंडिंग होती है तो फटाफट ग्राइंड हो जाती है, वेट ग्राइंडर में धीरे धीरे ग्राइंड होती है तो इसमें 15 से 20 मिनट लग जाती है। बीच बीच में स्पैचुला से इसको रोकेंगे, मतलब फ्लो को ब्रेक करेंगे ताकि सारी दाल इवनली ग्राइंड हो जाए। अभी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम स्मूथ दाल ग्राइंड हुई है। बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले कितनी थी अब कितनी सारी हो चुकी है। गरम नहीं हुआ है बिल्कुल भी, सुपर क्लाउडी और फ्लफी है। अपना उड़द बैटर पूरा रेडी है, अब मैं इसके स्टोन्स निकाल रहा हूँ। उसके बाद वड़ा का बैटर बनाएंगे, मतलब फ्लेवरिंग डालेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है 1 टेबलस्पून बराबर, 2 से 3 टेबलस्पून कटा हुआ फ्रेश नारियल, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो वही मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, और 1 चम्मच जीरा, साथ में नमक भी डाला है टेस्ट के लिए। आप इसमें चाहो तो करी लीव्स, कटा हुआ प्याज, रेड चिली फ्लेक्स, ये सब भी डाल सकते हो। अब बस इन सभी को हल्के हाथों से मिक्स करना है। इतनी फ्लफी दाल हम लोग ने पीसी है, आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा कर मिक्स करेंगे तो हवा निकल सकती है, तो लाइट हैंड से इसको मिक्स करना है और फिर ये पूरा रेडी है मेदू वड़ा बनाने के लिए। तो वड़ा बनाने के लिए अपने दोनों हाथ गीला कर लेंगे, साफ़ है दोनों हाथ, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, बॉल बनानी है पहले और फिर आराम से बीच में एक होल बनाना है, वड़ा रेडी। अब इसको ध्यान से तेल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए, एकदम ईजी था ना। एक और बार मैं आपको दिखा रहा हूँ फटाफट से। तो वड़े को फ्राई करने के लिए तेल एकदम हाई गरम होना चाहिए, हाई हीट पर ही रखना है, तेल भी अच्छी तरह गरम है। ध्यान से हम लोग ये वड़ा को रख देंगे तेल में और फिर फ्राई करना है। लो हीट बिल्कुल नहीं रखनी है वरना वड़े में कलर नहीं आएगा और वड़े ऑयल पी लेते हैं। एक बार में ज़्यादा वड़े भी नहीं डालने हैं फ्राई करने के लिए वरना तेल का टेम्परेचर घट जाता है, ये मैं आपको बाद में भी दिखाऊँगा। ऑयल में जाने के बाद भी मस्त फूल रहे, कलर भी आ रहा है, आप देख सकते हो। एक और बात दोस्तों, बहुत सारी रेसिपीज़ में बोलते हैं कि ना वड़े बीच से कच्चे रह जाते हैं अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करें तो। अगर बैटर अच्छी तरह एरेटेड हो, फ्लफ़ी हो, हल्का हो तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है। ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है यार, हाई फ्लेम पर फ्राई करना, मस्त बनेंगे। ये चारों वड़े सिककर तैयार है। अगर आपको शेप देने में प्रॉब्लम आ रही है तो हर बार शेप देने से पहले आप हाथ को गीला कर सकते हो।
तो ऐसे ही मैं बाकी के सारे मेदू वड़े बना लूँगा, आप ट्राई ज़रूर से करना यार, सही में हवा के वड़े खा रहे हैं ऐसा लगता है अगर ये तरीके से बनाए तो। ये फ्रेश बैटर है ना दोस्तों उरद दाल का, मतलब फर्मेंटेड नहीं है, और इसमें आप अभी देख सकते हो कि चार वड़े हैं, ऑलमोस्ट चार कलर आपको इसमें दिख रहे हैं क्योंकि तेल ठंडा पड़ रहा है, शुरू में ही मैक्सिमम कलर आ जाता है हाई फ्लेम पर फ्राई करने से। तो इसलिए मैं बोल रहा था अगर हम लोग ज़्यादा वड़े डाल देंगे फ्राई करने के लिए तो जो लास्ट में डाले थे ना वो थोड़े ऑयली बनेंगे क्योंकि तेल का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो चार से ज़्यादा आप मत डालिएगा, हाई फ्लेम रखिएगा और फ्राई करना, मस्त बनेंगे। सुपर फ्लफी अपने मेदू वड़े रेडी है खाने के लिए, एक मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। इतने हल्के, नरम और लाइट है ये कि अगर इसको प्रेस करने जाए तो वापस नहीं उठते हैं, इतनी भी ताकत नहीं है इसमें। तो कैसी लगी रेसिपी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक बटन। वैसे मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है कुकिंग शुकिंग बाइट्स, अगर आपको फटाफट रेसिपीज़ देखनी है 3-4 मिनट के अंदर बिना आवाज़ के, तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ, ऐसी कौन सी नई रेसिपी देखना चाहोगे कॉमेंट करना। बाय बाय।